नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके कैबिनेट मंत्रालय समिति के द्वारा जो आपके डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। डीए को 42% से आपके 46% किया गया है, तो इस 4% इंक्रीज में या 4% की वृद्धि में जो आपके कितने बेसिक पे है वह कितने आपके ग्रेड पे के अनुसार आपके इस डीए में जो है वो इंक्रीज हुआ है और कितनी जो सैलरी है वो आपके अब अगले वाले टाइम में बढ़कर आएगी। और हम देखेंगे कि जो आपका एरियर है वो 4% का एरियर है वो कितने बेसिक पे पे और वह कितने ग्रेड पे किन किन को कितना एरियर मिलेगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक बने रहे। हम देखेंगे पेंशन भोगियों व आल सेंटर गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके बेसिक पे व ग्रेड पे के अनुसार कितना डीए में इंक्रीज हुआ और कितना इनको एरियर दिया जाने वाला है। तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप अपनी बेसिक पे के अनुसार व ग्रेड पे के अनुसार यहाँ पे देख सकते हो कि किन किन की कितनी बढ़ोतरी हुई है और किन किन के जो एरियर मिलने वाला है वो आपका कितना एरियर आपको मिलने वाला है, वो पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो आपके रेलवे कर्मचारी है उनके ग्रेड पे वह बेसिक पे के अनुसार कि किस ग्रेड पे कितनी बेसिक पे है और उसके जो डीए में कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं स्टार्टिंग में ये आपके पेंशन भोगियों की मैं थोड़ी डिटेल है वो आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 9000 जो बेसिक पे है उस पर कितना आपका डीए है वो 42% से 46% हुआ है और आपके इंक्रीज है वो कितना हुआ और जो 3 मंथ का एरियर है वो एरियर कितने रुपए इस अक्टूबर 31 अक्टूबर को जो सैलरी आएगी उसके साथ में जुड़ के आएगा। तो हम देख लेते हैं इस पूरे एरियर की डिटेल के बारे में। यह आपकी रही तो आप यहां से देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग करूंगा आपके जो रेलवे के डी ग्रुप के न्यू अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों के जो 1800 ग्रेड पे है उस ग्रेड पे के अनुसार जितना बेसिक पे उस बेसिक पे के अनुसार मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ आपके स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ 1800 जो ग्रेड पे के कर्मचारी होते हैं उनका जो ग्रेड बेसिक पे होता है वो 1800 होता है। तो आइए हम देख लेते हैं 1800 ग्रेड पे जो आपका डीए है वो कितना इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1800 पे हम चर्चा करेंगे, तो ये आपके रहा 1800 ग्रेड पे, ये आपके 1800 ग्रेड पे। तो 1800 जो ग्रेड पे है उस पे आपका पहले डीए था 7560 रुपए और अब आपका डीए है वो बढ़ के कितना हो गया 8280 रुपए और जो बढ़ोतरी हुई है वो ये 720 रुपए की और जो आपका एरियर है वो आपका हुआ है 2160 रुपए। ये चर्चा थी आपके 1800 ग्रेड पे वालों की। आगे हम चर्चा करते हैं 1900 ग्रेड पे जिनके आपका बेसिक होता है 19900 और आप अपने अनुसार यहाँ भी देख सकते हो कि आपका कितना जो ग्रेड पे है उसके अनुसार यहाँ आप पूरी डिटेल देख सकते हो। तो हम बात करते हैं 19900 की, तो 19900 में देखा जाए तो इसमें जो आपका डीए है उसमें पहले डीए कितना था 8358 रुपए और उसके बाद जो बढ़ोतरी हुई 4% उसमें आपका हुआ 9154 रुपए और आपके जो बढ़ोतरी हुई वो पेमेंट कितना हुआ 796 रुपए और जो आपका एरियर मिलने वाला है वो है 2388 रुपए। तीसरी हम चर्चा करते हैं आपके 2000 बेसिक पे या 2000 जो आपका ग्रेड पे है उसके अनुसार, तो 2000 जो ग्रेड पे है उसके अनुसार आपकी बेसिक होती है 21700 रुपए। तो आपको मैं बता दूंगा 21700 रुपए, ये आपके देखिए 21700 रुपए के लिए कितना डी है वो आपका इनक्रीज, तो 21700 रुपए और 21700 रुपए के लिए आपका डीए है वो पहले था 9114 रुपए अब हो गया 9982 रुपए और बढ़ोतरी हुई है 868 रुपए की और आपके यहाँ पे एरियर मिलेगा वो मिलेगा 2604 रुपए। या आपका एरियर है वो 31 अक्टूबर के जो सैलरी आएगी उसके साथ एरियर जुड़ के आ जाएगा। अगला हम चर्चा करते हैं 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे के लिए आपका बेसिक होता है वो होता है यहाँ पे 25500 रुपए। तो हम देख लेते हैं 25500 रुपए वाले को कितनी जो बढ़ोतरी हुई है वो, तो ये रहा आपका 25500 रुपए बेसिक।
25,500 रुपए वालों के पहले जो डीए था वो था 10,710 रुपए, और अब जो डीए है वो बढ़कर कितना हो गया, 4%, 11,730 रुपए, और बढ़ोतरी हुई है 1,020 रुपए की, और एरियर दिया जाएगा 3,060 रुपए, जो आपके अक्टूबर एंड तक आ जाएगा। अगली हम चर्चा करते हैं 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे में आपके बेसिक पे होता है वो होता है 29,200 रुपए, और आप अपनी बेसिक के अनुसार यहाँ से जान सकते हो कि कितना ग्रेड पे है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो हम चर्चा कर लेते हैं 2800 ग्रेड पे में 29,200 पे, तो ये आपके रहा 29,200 रुपए, और इनको पहले जो डीए दिया जाता था वो था 12,264 रुपए, और अब जो आपकी बढ़ोतरी होके जो डीए बनेगा वो आपके बनेगा 13,432 रुपए, बढ़ोतरी हुई 1,167 रुपए की, और एरियर मिलेगा 3,504 रुपए। अगली हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके 4200 ग्रेड पे है, उस ग्रेड पे के अनुसार। तो हम देख लेते हैं आपका 4200 ग्रेड पे की आपकी जो बेसिक होती है वो होती है 35,400 रुपए। कितनी होती है, 35,400 रुपए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 35,400 रुपए के अनुसार जो आपका कितना है वो डीए में बढ़ोतरी हुई है या इंक्रीज हुआ है। ये रहा आपका 35,400 रुपए। तो 35,400 रुपए के अनुसार पहले जो डीए दिया जाता था वो आपके था 14,868 रुपए, अब इसमें बढ़ोतरी होके ये हो जाएगा आपका 16,284 रुपए, और आपके जो डीए में बढ़ोतरी हुई है वो आपकी कितनी हुई है, 1,416 रुपए की, और आपके एरियर मिलेगा आपको 4,248 रुपए। अगली हम चर्चा करते हैं 4600 ग्रेड पे। तो हम देख लेते हैं कि जो आपका 4600 ग्रेड पे है, तो 4600 ग्रेड पे 44,900 रुपए है वो आपका बेसिक पे होता है। तो हम देख लेते हैं 44,900 रुपए बेसिक पे आपकी कितनी बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। तो ये रहा आपका 44,900 रुपए। तो 44,900 रुपए में पहले आपको डीए दिया जाता था 18,858 रुपए, और अब वर्तमान में जो डीए दिया जाएगा वो दिया जाएगा 20,654 रुपए, बढ़ोतरी हुई आपके 1,796 रुपए की, और एरियर आपको मिलेगा 5,388 रुपए। अगला हम चर्चा कर लेते हैं 4800 ग्रेड पे। 4800 ग्रेड पे आपका बेसिक होता है वो 47,600 रुपए होता है। तो हम देख लेते हैं 47,600 रुपए पर आपका कितना है वो ग्रेड जो डीए उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये रहा आपके 47,600 रुपए। पहले आपको डीए दिया जाता था 19,992 रुपए, अब आपको डीए मिलेगा 21,896 रुपए, और आपके बढ़ोतरी हुई है 1,904 की, और जो टोटल बढ़ोतरी है वो आपकी एरियर है वो कितना है, 5,712 रुपए। अगले हम चर्चा करते हैं 5400 ग्रेड पे। तो 5400 ग्रेड पे के लिए आपके 53,100 रुपए है वो बेसिक पे होती है। तो हम देख लेते हैं 53,100 रुपए बेसिक पे कितना आपके डीए में बढ़ोतरी हुई है। तो ये रहा आप 53,100 रुपए। तो इसमें पहले डीए दिया जाता था 22,302 रुपए, अब दिया जाएगा 24,426 रुपए, और जो डीए में बढ़ोतरी हुई है वो आपके 2,124 रुपए, और एरियर आपको दिया जाएगा 6,372 रुपए। ये आपका था बेसिक पे, और आपके मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये लेवल है वो लेवल के अनुसार भी रेलवे में 1800 के लिए फर्स्ट लेवल, 1900 के लिए सेकेंड लेवल, और आपके 2000 के लिए थर्ड लेवल, और आपके 2400 के लिए फोर्थ लेवल, और 2800 के लिए फिफ्थ लेवल, 4200 के लिए सिक्स्थ लेवल, और 4600 के लिए सेवंथ लेवल, 4800 के लिए एट लेवल, और 5400 के लिए आपके नाइन्थ लेवल, ये आपके, और 5400 एक टेंथ लेवल में भी आता है। तो मैं आपको दोबारा पीडीएफ पे वो दिखा दूंगा, तो आप अपनी बेसिक पे के अनुसार यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये रहा आपके, देखा कि आपको देखना हो तो एक्साइटिंग डीए 42% था, तब ये इतना डीए मिलता था, ये आपकी बेसिक पे है, और आपके डीए में जो 46% हुआ है तो उसमें आपके इतना अब आपको डीए दिया जाएगा, इंक्रीज कितना हुआ है, कितना पेमेंट इंक्रीज हुआ है, और डीए 3 मंथ का जो एरियर है वो आपके यहाँ पे दिया हुआ
रहेगा। तो मैं आपको ये जो पूरी डिटेल है वो आपको सामने दे रहा हूं, तो आप अपनी बेसिक पे के अनुसार, क्योंकि आपके कई प्रकार के इंक्रीमेंट भी लग चुके होंगे, तो इन इंक्रीमेंट के अनुसार भी आप देख सकते हो कि कितनी डीए में आपके बढ़ोतरी हुई है, और जो भी पेंशन भोगी है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत जो आपको बधाई हो कि आपकी डीए में जितनी 4% की बढ़ोतरी हुई है वो सातवीं वेतन आयोग के अनुसार इन्होंने क्या किया गया है, केवल डीए में बढ़ोतरी की गई है, जबकि सातवां वेतन आयोग यहाँ पे नहीं लगाया गया। ये आपका डीए 46% हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस डीए में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण आप सभी को पता है कि लोकसभा, आने वाले लोकसभा चुनाव है, उन्हीं की वजह से ये क्या किया गया है, डीए में बढ़ोतरी की गई है। तो आप यहाँ से अपनी बेसिक पे के अनुसार देख सकते हो कि कितनी बेसिक पे है वो कितना आपको दिया जाएगा। आपकी बेसिक पे के अनुसार आप पूरा जो एरियर है वो देख सकते हो, और आपका जो जित कितना डीए है उसमें बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से सभी को जो अपनी बेसिक पे के अनुसार है वो अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ गया कि कितने बेसिक पे है उस पे कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितना एरियर है वो आपको मिलने वाला है। मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूं कि आपका जो जुलाई है वो जुलाई मंथ का जो डीए है वो आपके वहां से एरियर मिलेगा, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का तो आपको एरियर मिल जाएगा, और प्लस साथ में जो आपका पेमेंट है आपकी बार का जो सैलरी के साथ जुड़ के आएगा डीए, वो प्लस साथ में और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो आपकी बार सैलरी आएगी उसमें बढ़ोतरी 4 मंथ के डीए की है, वो बढ़ोतरी होके यहाँ पे आने वाली है। तो ये था आपका बेसिक पे के अनुसार कितने आपके डीए में इंक्रीज हुआ है। साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे कि सभी को ये जानकारी है वो मिल सके।